जयपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास संस्थान बिलवा में 5 से 8 हजार बेड क्षमता का कोविड केयर सेंटर तैयार होने हुए नजर आ रहा है। फिलहाल शुरुआती चरण में यहां पर 500 बेड्स स्थापित किए जा रहे हैं और ये सेंटर 26 अप्रैल से शुरू करने की तैयारी है। जल्द ही इसे 1000 बेड और साथ ही फिर 5000 बेड्स में जरूरत के हिसाब से यहां पर तब्दील किया जाएगा। मरीजों की संख्या बढ़ने पर यहां पर बेड्स की संख्या को और भी बढ़ाया जा सकता है। CMHO द्वितीय डॉक्टर हंसराज भदालिया पिछले 2 दिनों से लगातार भिलवा में सेंटर का दौरा करके युद्ध स्तर पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। जिला कलेक्टर, ADM और साथ ही ST सहित सरकारी मशीनरी और साथ ही JDA की ओर से भी अधिकारी लगातार दौरा करके कोविड केयर सेंटर डेवलप करने में लगे हुए हैं। कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप और संक्रमण के फैलते दायरे के मद्देनजर राज्य सरकार और चिकित्सा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आगामी दिनों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने की आशंकाओं के मद्देनजर SMS मेडिकल कॉलेज की ओर से विभिन्न तैयारियां की गई हैं। सुधीर भंडारी जो कि प्राचार्य हैं SMS मेडिकल कॉलेज के, खुद अलग अलग बैठकों में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री स्तर की तमाम बैठकें जो हैं और चिकित्सा मंत्री की स्तर की बैठकों के अंदर ये डिसीजन ताबड़तोड़ लिए जा रहे हैं कि कहाँ किस क्षमता के बेड जो हैं वो स्थापित किए जाएँ। ऐसा इसलिए कि आगामी दिनों में माना जा रहा है ये संक्रमण और तेज़ी से बढ़ सकता है क्योंकि म्यूटेशन लगातार हो रहा है और दूसरा मरीजों की संख्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में जो गंभीर मरीज हैं उनको सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल हैं, इनसे हटा करके और अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए, इसीलिए भीलवा का भी जो सेंटर है कोविड केयर सेंटर वो डेवलप हो रहा है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के तहत आने वाला SMS अस्पताल का चरक भवन, इसे भी कोविड सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। अब कोविड के जो मरीज हैं वो कोविड डेडिकेटेड रूप में ये चरक भवन के अंदर भी भर्ती रहेंगे, इसलिए यहाँ पर भी तैयारियाँ जो हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। इसी प्रकार से भीलवा के अंदर 5000 बेड तक का एक पूरा कोविड केयर सेंटर जो है वो डेवलप किया जाएगा ताकि कम गंभीर जो मरीज हैं उनको वहाँ पर रखा जा सके, साथ ही जो ज़्यादा गंभीर मरीज हैं उनको जयपुर के अंदर ही RUHS के अंदर, SMS अस्पताल के चरक भवन के अंदर, जयपुरी अस्पताल जैसे जो अस्पताल हैं इनके अंदर रख करके पूरी मेडिकल फैसिलिटी के साथ में उपचार सुनिश्चित किया जा सके।